हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होगी। आज की मेरी रेसिपी है ढाबा स्टाइल सेव भाजी। ये सब्जी महाराष्ट्र की खानदेशी डिश है जिसको बेसन के सेव से बनाते हैं। ये सब्जी खाने के लिए स्वादिष्ट और बनाने के लिए आसान है। देखते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या लगते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेड चिली पाउडर 3 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, टमाटर 1 चॉप किया हुआ, धनिया, ड्राई कोकोनट 1/2 बाउल, प्याज 3, जीरा, लहसुन अदरक, ऑयल, बेसन के सेव, हींग एंड स्वादानुसार नमक। अब हम पहले फ्राई पैन में ऑनियन को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अभी हम डालेंगे ऑनियन। हम इसमें थोड़ा सा अभी ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। देखिए ब्राउन कलर अभी आ गया है, तो हम अभी ऑनियन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कोकोनट को भी सेम फ्राई करके उसको प्लेट में हमें निकाल लेना है। फ्राई ऑनियन एंड कोकोनट को 5 मिनट रखेंगे ठंडा करने के लिए। अभी हमारा ऑनियन एंड कोकोनट ठंडा हो चुका है। अभी हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। हम इसको मिक्सी पॉट में डालेंगे। अदरक लहसुन, अभी हम टमाटर एंड जीरा डाल के उसको मिक्सर में पीस लेंगे। अभी हमने मसाला यहाँ पे रेडी किया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालते हैं एंड पीसा हुआ मसाला डाल देंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे। हम इसमें डाल देंगे अभी थोड़ा सा नमक, ताकि मसाला हमारा जल्दी पक जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल तीखट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला अच्छे से पक गया है अभी। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम पानी। इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऊपर से। अभी सब्जी पक गई है हमारी अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन के सेव और बारीक कटी हुई धनिया डाल के गैस को बंद कर देंगे। हमारी यहाँ पे ढाबा स्टाइल सेव सब्जी तैयार है। आप इस सब्जी को भाकरी, राइस एंड रोटी के साथ भी खा सकते हो। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर एंड कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।